लैंग्वेज को पढ़िएगा। एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता और एक घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वह एक घंटा आराम करता है। इस सब पर ध्यान देना कि जब वो आराम करता है जिसका मतलब वहां चलता ही नहीं है, कुछ नहीं चलता, और फिर चलना शुरू करता है अपनी 5/6 चाल से और एक घंटा 36 मिनट लेट होता है। अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर और आगे होती तो एक घंटा 20 मिनट लेट होता 5/6। यानी मेरे तो सवाल में से कह रहा यहां से चला और यहां पहुंचना था, ठीक है। कहता यार अगर वो यहां से चलता और चलता रहे और एक घंटे बाद मान लीजिए यहां पहुंचा और यहां गाड़ी में ब्रेकडाउन आ गया और वो ब्रेकडाउन आने के कारण बैठ जाता है एक घंटे बैठ जाता है, यह चलता नहीं, एक घंटे बाद चलता है, इसलिए एक घंटे 36 मिनट लेट होता है। किस स्पीड से चलता है मेरे बेटे? तो आप कहेंगे जी 5/6 स्पीड से होता है। यानी मेरे बेटे 5/6 स्पीड की वजह से ना, 5/6 स्पीड की वजह से वो केवल 36 मिनट लेट होता है। एक घंटे 36 मिनट में से जो एक घंटा है ना, वो तो सच मायने में इस वजह से हुआ क्योंकि बैठ गया। अगर आप चलोगे नहीं तो उसमें स्पीड का दोस्त होगी, एक्चुअल में जो आप लेट हुए स्पीड की वजह से वो केवल 36 मिनट लेट हुए। अब कह रहा है अगर मान लो ये 50 किलोमीटर आगे गड़बड़ मारी होती इसने, यहां ना करके 50 किलोमीटर यहां खराब होती तो फिर क्या होती? एक्सीडेंट होता, एक घंटा रेस्ट कर लेता और एक घंटे 24 मिनट लेट होता, एक्चुअल में सिर्फ 24 मिनट लेट हुआ। भाई एक घंटा एक्सीडेंट होते बैठता है, इसलिए स्पीड का दोस्त, स्पीड की वजह से तो मात्र 24 मिनट लेट हुआ है। तो हमें ये बात समझनी है कि भैया अगर इस स्पीड की वजह से यहां से चलता तो 36 मिनट लेट, यहां से चल रहा है तो 24 मिनट लेट, इस स्पीड की वजह से यहां से यहां तक 12 मिनट लेट हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस मेरे बेटे 50 किलोमीटर, अब स्पीड है मेरे बेटे 5/6, टाइम हो गया 6/5, लेट हो गया 1 मिनट और एक्चुअल में लेट हो रहा 12 मिनट, 12 मिनट 5 मिनट 12 60 मिनट, 60 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 1 घंटा बन गया। यानी इस डिस्टेंस पर अगर नॉर्मल स्पीड से चलता तो नॉर्मली टाइम लेना था 60 मिनट, यानी 1 घंटा लेना था। तो स्पीड आगे डिस्टेंस अपॉन टाइम 50/1 यानी 50 किलोमीटर पर। अच्छा एक घंटे 20 मिनट है यहाँ, एक घंटे 20 मिनट है, सॉरी माफ करना भाई, एक घंटे 20 मिनट है तो बेटा फिर यहाँ हो जाएगा 20 मिनट, है ना। फिर गड़बड़ करती मैंने यहाँ, माफ करना, एक घंटे 20 मिनट तो 20 मिनट लेट होता है, यहाँ 16 मिनट, तो 1 मिनट 16 मिनट मेरे बेटे लेट। यानी 16 मिनट लेट सिर्फ इतनी डिस्टेंस की वजह से हो रहा है, माफ करना, है ना। तो 1 मिनट 16 तो 5 मिनट हो जाएगी, 16 5 80 मिनट, 80 मिनट के घंटे बनाएंगे बेटे, 4/3 घंटे तो टाइम है, 4/3 घंटे तो स्पीड आई 50, डिस्टेंस टाइम हो गया 4/3, तो यहाँ 2 × 4 = 25, 50 तो 75/2 किलोमीटर पर आओ। ये मेरे बेटे आपकी नॉर्मल स्पीड आ गई, आपकी नॉर्मल स्पीड आ रही है ना, नॉर्मल स्पीड आ गई। अगर कुछ डिस्टेंस बता दो पूरी जर्नी का तो मात्र ये काम करना है बस कि भैया यहाँ से 5/6 स्पीड से चला तो 36 मिनट लेट, तो टाइम का रेशियो 6/5, तो यहाँ 1 मिनट लेट, 1 मिनट 36 मिनट, तो 5 मिनट 36 माने 180 मिनट, मतलब 3 घंटे, 60 मिनट 1 घंटे 36 मिनट 3 घंटे, मतलब अगर खराब ना हो तो यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटे लगा और 1 घंटा यहाँ, तो 3 और 1 = 4 घंटे, तो टोटल टाइम 4 घंटे लगेगा पूरी डिस्टेंस टोटल करने। तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी भैया? 75/2 की स्पीड से 4 घंटे कितनी दूरी चलेगा? 2 × 4 = 150 किलोमीटर, दैट इज ऑल योर आंसर। तो आपकी जो डिस्टेंस आ गई मेरे बेटे वो 150 किलोमीटर बस।